अंतिम दिन है, लेकिन आज अंतिम दिन एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ ही आज पड़ रही है और इसीलिए हम लोग पहुंचे हैं आज पंचकुला के माता मनसा देवी के दरबार में। सबसे पहले तमाम जो दर्शक हैं उन्हें माता मनसा देवी के दर्शन करवा दे। वैसे तो दूर दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते उन लोगों के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम यहाँ पर पहुंची है और माता के दर्शन आपको आपके टेलीविजन के माध्यम से हम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाल रंग के वस्त्रों में बहुत ही मनमोहक विहंगम और सुंदर श्रृंगार जो है वो माता रानी का आज अष्टमी और नवमी तिथि पर किया गया है। आपको बता दें कि आज दोपहर में लगभग 12 बजे तक अष्टमी तिथि है और अष्टमी वाले दिन माता की महागौरी के स्वरूप में पूजा की जाती है। वहीं इसी के साथ साथ 12 बजे के बाद जो है वो नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और नवमी तिथि पे माता सिद्धिदात्री की पूजा की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि भक्त अपने हाथों में भेंट लेकर माता के लिए प्रसाद लेकर चुनरी लेकर लंबे समय से जो है वो लाइनों में इंतजार कर रहे हैं और लाइनों में इंतजार करने के बाद जब उनकी बारी आती है तो उनका सिर जो है वो माता मनसा देवी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। अगर मंदिर प्रांगण की बात करें तो मंदिर प्रांगण में विशेष जो है वो तैयारियां की गई थी। आप देख सकते हैं कि नवरात्र के पर्व को लेकर पूरे मंदिर को सजाया गया है, फूलों की सजावट जो है वो पूरे मंदिर में की गई है, विद्युत सज्जा भी की गई है जो रात के समय में देखते ही बनती है। अगर श्राइन बोर्ड की तरफ से माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर पूरे मंदिर प्रांगण में CCTV कैमरों के माध्यम से जो निगरानी है वो की जाती है ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले जितने भी भक्त हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। वहीं इसी के साथ साथ तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैनाती पूरे मंदिर में की गई है ताकि यहाँ पर भक्तों को सुविधा हो सके। भक्तों को अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से उनकी वो ज़रूरत पूरी की जा सके, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति कहीं निर्मित ना हो, भक्तों को असुविधा ना हो, इसका खास तौर से श्राइन बोर्ड की तरफ से ध्यान रखा जाता है क्योंकि दूर दराज के इलाकों से देश भर से जो माता के भक्त हैं वो यहाँ पर खासतौर से नवरात्र के 9 दिनों में माता के दर्शन करने के लिए हजारों लोग जो हैं वो इस मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। माता मनसा देवी की बात करें तो शक्तिपीठ है, ऐतिहासिक शक्तिपीठ है और इसी के साथ साथ इसका अपना एक महत्व है इस पावन मंदिर का। और आप देख सकते हैं कि भक्त लंबी लंबी कतारों में इस वक्त खड़े हुए हैं और अपनी बारी का माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज इसलिए भी अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व है क्योंकि जो लोग 9 दिन तक व्रत करते हैं नवरात्र के दौरान वो आज अष्टमी और नवमी वाले दिन जो कन्या भोज है वो भी करते हैं। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उन्हें भोजन कराकर उनकी पूजा कर यहाँ पर जो है बात की जाती है। आपसे बात करना चाहेंगे, कब से आ रहे हैं आप माता मनसा देवी मंदिर? नमस्कार, हाँ जी, अस बहुत ज्यादा आ रहे हैं जब देसी यानी ब्याही है जब सड़ी ना सोरे मेरे अंदर सगाई हूँ माता दी मानदे सी उदो सारी मनसा जो है वो यहाँ आकर पूरी होती है। विश्वास पर बहुत सारी विश्वास है माता दी, माता हर दिन मनोकामना पूरी कर रही है। हाँ, आप देख सकते हैं कि कितने सालों से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, एक रूटीन बना हुआ है लोगों का। और जो लोग दूर दराज के लोकल जो लोग हैं वो तो रोजाना भी आ जाते हैं और जो बाहर के इलाकों से लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि नवरात्र के पर्व के दौरान खास तौर से माता के जो दर्शन है वो किए जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।